यहाँ पे ना, यहीं पे मैंने स्कूटर चलाना सीखा था, बॉय बहन ने सिखाया था। थोड़ जाके इस खम्भे पे लगा मेरा कंधा। हो रहे हैं और हमारे बच्चे थोड़े उस कल्चर में ज़्यादा जा रहे। जाइए लेकिन साथ में योग को लेके जाइए। बच्चा आया हमारे घर और मैं रेनू के पास थी तो उसको लगा कि रेनू का ही हमारा घर है, तो माता जी कह के बुला रहे थे। देखो वैसे मेरा मुंह पतला हो गया ना, बिल्कुल ही लग रहा है, अपने आप ही जॉन लाइन आ जाती है शर्मा जी का। तो उसने मुझे बुलाया माता जी। मैंने कहा रेनू तेरे को कोई बुला रहे। माता जी कह रहे नहीं आपको ही बोल रहा हूँ माता जी। तो देखो क्या लेके आए हमारे लिए। हरिद्वार से आया था और मिला भी नहीं, अंदर भी नहीं आया। और देखो दिया ने खा रखी है और कह रही है खबरदार जो ये मिठाई किसी को दी तो। ये उसी की कटोरी आई हुई है। अच्छा प्रीति को बोलती हूँ ना, मैंने प्रीति को बोला, मैंने कहा प्रीति लड्डू खाने हैं, तो बोली ना भाई ना, कह के फोन ही काट दिया। जैसे उसके मुंह में लड्डू जा रहे हैं फोन के अंदर से ही। इसको दे के आती हूँ। रेनू तेरे को पता लग गया साक्षी आगे बदतमीज। एवरीवन इज बिहाइंड मी। अब ये स्टेफनी कह रही है कि शिवम को पिज्जा खिलाने ले जाएंगे तो तुम भी खाओगी। तो स्टेफनी नहीं है, स्टेफनी नहीं कर रही, स्टेफनी नहीं कर रही है। ये क्या खा रहा है? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा खाओगी? पागल है क्या? चल खा ना सकी। नहीं बहुत टेस्टी है। नहीं स्टेफनी कितनी जोर से हंसी है। मैंने कहा देख मेरी जॉल आई। बोले कि यहाँ की जो लाइन तो दिख रही है, अभी नीचे तो ऐसे ही है। 6:15 बजे हैं और हवा देखो पर्दों की। ये देखो मैंने ना ये सब बंद किया हुआ, अभी हवा बहुत तेज चल रही है और अभी अंधेरा ही है, पूरी तरह से रोशनी नहीं हुई है, उजाला। और दी और सब जा रहे हैं वॉक पे। मैंने बोला आज तू जा, अपने फ्रेंड्स सारे बच्चे जा रहे हैं। अभी भी कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। आज ऊपर जाते हैं। हवा की ठंड है सिंपली अभी, और कुछ भी नहीं है। हवा ज़्यादा तेज चल रही है। कल मुझे जाना है हैट पर्वत, सबका इंतज़ार ख़त्म होगा तो मैंने कहा आज यहीं रहती हूँ, इधर की साइड ही, और जल्दी भी सोना है। रेस्ट मैं 8:30-9 बजे सो जाती हूँ। पर मुझे नहीं लगता कि गंगा जी की साइड जाके कोई वीडियो बनने वाला है, आवाज़ बहुत आएगी। तो यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ बढ़िया बढ़िया नज़ारों के आनंद ले रहे होंगे। हमारी यहाँ से तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है, पहाड़ भी, नदियाँ भी, मतलब गंगा जी भी, और सारे ही तो वो मिलता है। बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं यहाँ पे। मेरा रुद्राक्ष का पेड़ बड़ा हो गया। ओहो, यहाँ तो बहुत ही खतरनाक हवा चल रही है भैया। मैं ना यही देखती हूँ, जिम कल्चर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले तो मैंने शिवांगी को फ़ोन किया, वो न्यूज़ सुन के ना, मैंने वो भी जिम जाती है ना, बच्चों में जिम कल्चर का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है। ये देखो ये पैच ना धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा फिर क्रॉस करना। मैं तो ना यहीं लाके दाना डालूंगी, यहाँ पे खाते हैं आके, अपने वहाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्ली खा जाती है इनको। मोक्ष धाम की तरफ चलते हैं निकल के, यहाँ पे भीड़ कम होती है, उधर भीड़ ज़्यादा होती है। वीर सूर्यवंशी अभी डेथ हुई, 46 ईयर के, जिम में एक्सरसाइज करते टाइम। अब एक्सरसाइज की बात चल रही है तो ग्राउंड में आ गई, तो इससे बढ़िया ग्राउंड में खुले में खेलना, इससे बढ़िया एक्सरसाइज क्या हो सकती है। जैसे ही सिद्धांत सूर्यवंशी की वो मैंने चीची चीची करे, कितना अच्छा लग रहा है ना। सुन लो पहले आप इधर आओ, आप करते करते मुझे आना हो। ये शर्मा जी के सारे फ्रेंड हैं। भैया भैया तो मिल के गए थे, कल ही मेरे को मिल के गए थे तो मैंने चैनल पे नहीं लिया। अब ये ऋषिकेश आए हैं, बोल रहे हर बार आया करेंगे। अच्छा लग गया। ये गोपाल, मैं जिम के ऊपर वीडियो बना रही हूँ तो भैया ने ही अपने भांजे का एग्जाम्पल दिया है। ये जो एक्चुअली जो आजकल बॉडी बिल्डिंग के लिए बच्चे तो आजकल प्रोटीन के शेक्स ले रहे हैं, वो बाहर से आते हैं कट्टे में, बोरे में, और जो यहाँ के जो लोकल सप्लायर्स हैं वो उनको डब्बे में फिल करके और उनके अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह डाल के और अपनी और मिक्सिंग करके वो बेचते हैं। और बच्चों का इसमें इतना बैड इफेक्ट है कि जैसे 16 साल हमारा एक फैमिली में ही था, भांजा था, 16 साल की उम्र में उसने जिम ज्वाइन किया था, उसने 2-2.5 साल जिम किया, 19 साल का होते होते उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। और मतलब फिर एक साल में वो 19 साल में, हाँ, एक साल में फिर वो हो गया था पूरा। तो इनका बहुत ही गंदा इफेक्ट है और इनसे बच के रहें इनसे, तो वो मतलब बिना बात में प्रोटीन ना लें। देखिए मैंने एक एक्सपीरियंस मिल गया। अब उनके एक्सपीरियंस अलग थे, बट सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्री श्रीवास्तव और न जाने एक और थे भाभीजी घर पे आते हैं, उनके भी जिम में एक्सरसाइज करते टाइम डेथ हुई। राजेश भैया शर्मा जी के साथ थे वो ऑफिस में, तो एक बार आए थे यहाँ मिलने के लिए और फ़ोन पे शर्मा जी से अक्सर बातें होती रहती थी, तो हमारे दिल्ली वाले घर में भी आए थे। अब जैसे हम भी चैनल पे आ गए हैं तो हार्ट अटैक होगा तो पता चल जाएगा भाई हाँ हार्ट अटैक हुआ, इस कारण से हुआ, ये बीमारी हुई। लेकिन जो नहीं है, कितने पर सारे तो नहीं आते हैं कि भाई सभी चैनल पे हों, सभी उस पे हों, तो उन लोगों का नहीं पता चल पाता कितने बच्चे जिम कर रहे हैं। वो फैमिली और ना ही वो इस बात को इतना वो लेते हैं, क्योंकि बच्चों में आजकल फेमस हो गया है जिम कल्चर बहुत ज़्यादा। और करिए, ये नहीं कहते कि नहीं करें, लेकिन प्रिकॉशन लेके करें। मैंने तुरंत शिवांगी को फ़ोन किया और फिर उससे एक बात पूछी। मैंने उससे सबसे पहले एक पूछा, मैंने कहा तू ज़्यादा एक्सरसाइज, क्योंकि ना उसकी बॉडी में प्रोटीन शुरू से ही था, प्रोटीन कैल्शियम जब हमने चेक करवाया था टेनिस के दौरान तो ज़्यादा था। और वो यहाँ पे जब आई थी इंडिया तो उसने कुछ क्लासेस की थी शिवांगी ने, तो बाहर से ट्रेनर से लिया, कोई फेमस थे, और उन्होंने प्रोटीन फिर सजेस्ट कर दिया। जबकि मुझे पता है, उसको पता है कि प्रोटीन एक्सेस है बॉडी में, फिर आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है, आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाता है, पर फिर भी उसने वो डिब्बा वे प्रोटीन का ले आई थी। मैंने उससे सीधा फिर ये पूछा, मैंने कहा बेटा तू प्रोटीन ले रही है? कह रही नहीं मम्मी मैं प्रोटीन नहीं ले रही, मैं डाइट जो है रॉ डाइट ले रही हूँ अभी। ये देखिए हमारा देश योग मतलब इंटरनेशनल योग डे मनाता है, हैं? यहाँ देखिए आसन हो रहे हैं और हमारे बच्चे थोड़े उस कल्चर में ज़्यादा जा रहे हैं। जाइए लेकिन साथ में योग को लेके जाइए। बहुत ज़्यादा इतना वेट उठाते हैं, बॉडी लिफ्टिंग करते हैं, 5-5, 10-10 किलो के, 20-20 किलो के छोटे छोटे बच्चे डंबल उठाते हैं, तो कितना बॉडी पे वेट आता है, कितना सांसों पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप साथ में प्राणायाम योग को लेके चलेंगे तो वो चीज़ें ईजी होंगी और आपके लिए भी अच्छा होगा। ये पूरा निकल आया, देखो पूरा ट्रैक जो दिखता नहीं था ना, पट्टी नहीं निकली है, निकलनी शुरू हो जाएगी वो वहाँ से जो था। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा डीप ब्रीथ करके स्टार्ट करो एक्सरसाइज। जब भी जिम में जाती हो, जिम की भी एक्सरसाइज ख़त्म करते हो ना तो बॉडी को पूरे कूल डाउन करो, क्योंकि ब्लड प्रेशर उस टाइम आपका बहुत हाई रहता है, बीपी वगैरह, हार्ट बीट बहुत हाई रहती है, सारी चीज़ें बहुत हाई उस पर रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान पहुँचाती हैं। मैंने यही बोला, मैंने मेरे कैसे एक चीज़ कर ले, योग निद्रा लास्ट में ज़रूर करके जाया कर, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, ताकि जो आपका बीपी और मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी आपका हार्ट बीट बढ़ी है वो स्टेबल और नॉर्मल हो जाए। अब आर्नोल्ड पता नहीं क्या क्या खाता होगा, उसने तो बचपन में रॉ फूड बहुत खाया होगा, उसने अपनी डाइट चेंज कर दी, वो नॉन वेज से वेजिटेरियन उसमें आ गया, उसने बहुत कुछ चेंज किया। और उसने सच में, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था तो उसने बोला जब मैं वेजी उसमें आया हूँ ना तो मेरी बॉडी में एक अलग एनर्जी लगी। ऐसे ही फेडरेट ने बोला था कि मैं सोचता था कि नॉन वेज खाने वाले ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो कुल मिला के जो होते हैं ना उनके कॉन्सेप्ट में मत जाओ कि वो जो लोग खाते हैं वो हमें ही खाना होगा। आप अपनी बॉडी पे देखिए कि आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। मैं तो आजकल के बच्चों को ना तभी यही समझाती हूँ कि एक्सरसाइज करो। मैं मना मतलब मैं कौन होती हूँ मना करने वाली, लेकिन उसको संभल के आप अपने साथ ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप क्या कहते हैं इन्वॉल्व कर लो। उसको शिवांगी करती रहती है 38, 40, मम्मी इरिटेट मत करो। अरे तुम एक्सरसाइज करके इरिटेट हो रहे हो, एक्सरसाइज करके तुम्हें बॉडी में सुकून मिलना चाहिए। मुझे इधर आके भी वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है भाई। बस ये थोड़े से एरिया में ना गंदे नाले की बदबू आ गई है, यानी कि अभी भी चल रहा है ऐसे ही नाला। ये भी गुरुकुल है, लोग गुरुकुल पूछते हैं ना श्री श्री रविशंकर का। यहाँ से मुनि की रेती ढाल वाला की सीमा समाप्त, कूड़ा ना फेंकें। ये देखो नाला चल रहा है एज इट इज़, कितना ज़बरदस्त नाला चल रहा है, कह रहे कूड़ा ना फेंके। वहाँ से सांप जा रहा है, इधर से वो जा रहा है, क्या फ़ायदा। अब मैं तो जब भी आऊँगी ना मैं जब भी दिखाऊँगी इसको। नेचुरल तरीके से रनिंग करो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या वॉक करो, क्योंकि ज़्यादा रनिंग करने वालों की भी डेथ देखी है मैंने कि जो रेगुलर रनिंग करते हैं और अच्छी हाई स्पीड उसमें करते हैं, बेचारे वैसे ही हमारे लिए इतना काम करती है, खाना पचाती है, मतलब सब कुछ करती है, एक एक चीज़ हमारी कितना काम करती है, हमारी ब्लड बनाती है, खाना पचाती है, हमारी किडनियों की देखभाल करती है, सब कुछ करती है। ऊपर से हम इतना ज़्यादा हाई प्रेशर डाल देते हैं ना उसका मतलब बॉडी के ऊपर, उसको रिलैक्स नहीं करवाते। आप सब लोग बोल रहे थे कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, कईयों ने नोटिस किया था कि यहाँ काला काला क्यों आ रहा है। मैं बताती हूँ रीज़न। आप जब गर्म पानी पी रहे थे, बीच में जो नेचुरोपैथी वाले मेरे हैं उन्होंने एक बार ग्रीन टी बोला था, मैं 2 बार पी लेती थी, ठीक है, 2 बार पी लिया तो देखो 2-3 बार के भी क्या नुकसान होते हैं। और एक बार मैं रात को पी रही थी सोते टाइम, अब सोते टाइम तो पी लिया, देखो मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, दिन में तो इतनी थकावट होती है, रात को मेरी नींद गायब। कल मैंने उसमें क्या कहते हैं वो डाला, रात को फ्राई पैन में पानी डाला और ग्रीन टी जैसे ही डालने लगी तो डाल दिया था उसके अंदर ग्रीन टी, मुझे याद आई, मैंने कहा आज इसको छोड़ के देखती हूँ और रात को नींद बढ़िया आई। तो हमारी बॉडी है बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है धीरे धीरे। ये डेथ भी हुई होंगी ना, इन लोगों को पता चल रहा होगा कि कहाँ पे प्रेशर आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा, पर कई लोग देर से समझते हैं, कई लोग फिर इग्नोर कर देते हैं उसको। तुम्हारे साथ ही खेल लेती हूँ ना भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, तो गलत बात होगी ये, एक बार में ही लग जाता था। देखिए हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, तो उसको जितना हम नेचुरल रखेंगे ना, जितना हम नेचुरल, अब हम इंडियन छोले भटूरे भी खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जलेबी समोसे सब कुछ खाते हैं, फिर हम मतलब बॉडी को बना मतलब वैसे ही इतना ऑयली हो जाता है और ऊपर से ऐसी डाइट और लेना शुरू करें। भैया 5 तत्वों का शरीर है, तो जितना नेचुरल रखोगे उसको उतना नेचुरल रहेगा। आज क्रिकेट का वो चल रहा है आजकल, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी है, देखेंगे देखते हैं ना, इंडिया तो हार गया, हम जो जीत रही है उसको देख लेते हैं। यहाँ बहुत बड़ा नाला बन गया था, है ना, है ना बच्चों, बहुत बड़ा नाला बना दिया था ना पानी से, देखो ये बन गया था। प्रकृति अपने आप को कितना वो कर देती है, देखो हमारे वहाँ भी लाके कितना बढ़ा दिया, और ये इसको भी कितना सारा यहाँ पे मलबा इकट्ठा कर दिया और ऊंचाई पे कर दिया। ऐसा ही हमारा शरीर है, अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो नेचुरल उससे खेलेंगे प्रोसेस से, तो फिर गड़बड़ तो होगी। उनकी मौसी जी के बेटे थे, जब दिल्ली में ही रहते थे, हम भी दिल्ली में थे, उनके पास एक ट्रेनर आते थे, गौरव नाम था उनका, वो है वो नेगी शायद, वो यहीं के थे, उत्तराखंड के या हिमाचल के कहीं के थे। तो वो उनके पीछे पड़े रहते थे शर्मा जी कि तुम इतना अच्छा कराते हो, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम फ्लेक्सिबल भी हो, तो तुम योग में क्यों नहीं जाते हो, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वाकई उस लड़के ने ना इनकी एक्चुअली इन्होंने जिसको जो जो बोला ना उन्होंने वो बात मानी, और आज वो बड़े चेंज आ गया उसकी लाइफ में। और मेरे लिए भी बोला था कि 1 महीने तेरे को वहाँ रहना पड़ेगा, फिर हमने चैनल खोल लिया उसके बाद कि 1 महीने के लिए तू जा और दिल्ली में ये वाला कोर्स और करके। योगा ट्रेनर प्लस फिटनेस ट्रेनर दोनों मिला के है, क्योंकि उन्होंने योग को मिला लिया अपने साथ, तो मैं तो भाई यही बोलती हूँ जितने भी फिटनेस ट्रेनर हैं उनको वो तो रहता ही है ज्ञान, तो अपने साथ योग को भी मिला लेंगे ना तो और चार चांद लग जाएंगे। और देखिए गंगा जी के किनारे पे अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर यहाँ लोग टट्टी करके जाते हैं, वो बड़ा बेकार बात है। पास में ही शमशान घाट है, यहीं पे पोटी वोटी सब कर जाएंगे लोग। और यहाँ से गंगा जी देखिए, ओहो ऐसा मन करता है कि यहीं बैठे रहो। ये ना अपने पापा के साथ क्रिकेट खेल रही है, अगर बच्चों के साथ खेल रही होती ना तो मैं भी खेलती जरूर। ये जो एक मैंने ना गंगा सागर की एक फ़ोटो देखी थी, ऐसे ही बहुत समुद्र सा पूरा बड़ा, गंगा सागर तो पूरा बड़ा लगता है, ऐसे ही एक नाव की फ़ोटो थी उसके अंदर, बहुत ही सुंदर। और इस टाइम गंगा जी यहाँ भी इतना प्यारा लग रहा है ना मुझे ये व्यू सामने से देख के। तो बहुत महीनों बाद आई हूँ बारिश के। वो बाबा जी देखो अभी भी ध्यान कर रहे हैं, पर मैं कभी परेशान नहीं करती, शाम को भी करते हैं। ऐसे लोगों को क्यों परेशान करो जो अपनी साधना के लिए आए हैं। देखता है मेरा चैनल? हाँ। तो इसमें मुझे पीछे से आवाज आप जानकी सेतु की तरफ रहते हो? हाँ। मॉर्निंग वॉक। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अनुष। अच्छा। तो तब से जब आप लॉकडाउन में ब्लॉग सुनाते थे ना, हाँ, आप वॉक के लिए निकलते थे अंकल के साथ, हाँ, तब मैंने पहली बार देखा था। अच्छा, वो बच्चा दूर से भाग के आया है। मैंने पुराना रेलवे स्टेशन देखा हुआ है, पर मुझे वहाँ की अभी बहुत सारी जगह हैं जो मुझे भी खुद, जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी। सुना था देव दीपावली वाले दिन यहाँ पे बहुत कचरा हुआ था, बहुत कचरा। गंगा जी देखिए यहाँ से कितनी, और अभी भी सुबह सुबह सफाई होगी, करेंगे लोग। अभी तो सफाई में जल्दी आई हूँ मॉर्निंग में, पर बहुत यहाँ पे गंदगी बहुत हो जाती है, लोग ज़्यादा आते हैं ना। साफ हो गया है जल थोड़े दिनों में, और आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा। कितनी अनाउंसमेंट होती है कि कपड़ा और वो सब ना डालें, नंगे पैर उधर, मतलब जूते के समेत ना जाएं। तो इसकी बैटरी ना ख़त्म होने वाली है, मैं गलती से दूसरी भी बैटरी कम वाली ले आई थी, पहले वाली की तो थी 52%। तो अब मैं घर जाके मिलूँगी आप लोगों से। मैं इधर से जा रही थी तो ऐसे ना छोटे छोटे कांटे वाले पेड़ों के ऊपर ना, ये भी बहुत, मतलब ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं दूर से। हर चीज़ नेचर की देखो तो बड़ी ही प्यारी लगती है, अलग अलग देखने का बस नज़रिया होना चाहिए। रो रही है। ये हमारे वाले रास्ते पे गई थी, अब बच्चे सारे के सारे कौन से वाले पे? भूतनाथ मंदिर से ऊपर, हाँ, जो ऊपर ऊपर जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, से जो जाता है ना ऊपर से, फिर वहाँ से। जंगल से तो नहीं उतरे ना? जंगल से उतरे हैं, लक्ष्मण झूले की तरफ गए। फिर तुम नीचे से छोड़ना, ऊपर से जंगल से, तो लक्ष्मण झूले रोड था। फिर उतरे कहाँ से? वहीं से वापस। आज का रोड नहीं जाता है, उसी रोड पे तो गए हैं। उस रोड पे तो मैं जाने की बोल ही रही थी अभी थोड़े दिन पहले ही। हाथी आते हैं वहाँ पर सुबह सुबह, कोई नहीं दिख रहा। सुबह सुबह ही तो मिलते हैं बेटा, दर्शन सुबह सुबह ही होते हैं। मम्मी बेटे मैं इसके लिए भिगोती हूँ और अपने लिए भी। अभी एप्पल भी खाएंगे हम एक एक। नहीं मैं और कुछ, ये एप्पल नहीं खाती, अनार खाती है। ये ना जो सीजन के फ्रूट है ना वो नहीं खाती। अनार पता भी 180 रुपये किलो, पता मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं पेट्रोल डलवाने जा रही हूँ, मैंने कहा चलेगी तो कह रही है मुझे iPhone 7 दिलवाओ। मतलब आजकल के बच्चे देख लो भैया। अच्छा मेरा फोन आने में टाइम है, पर बच्चों को सब्र नहीं होता ना। वो पागल बना रही है आपकी बेटी, पागल। वो कह रही है कि मम्मी वहाँ बुकिंग में टाइम लग रहा है, वो भेज देगी, पर ये जिद पड़ी है अपने जो अपनी कमाई से, वो है ना मेहनत की कमाई से खरीदने का वो है, वो मजा माँ बाप के पैसों में नहीं आता है। पढ़ लिख अपनी कमाई का खरीदो फोन। वो तो कमा रही है ना अपनी कमाई से, तो अपनी मम्मी को गिफ्ट करेगी। मम्मी पैसे दे, कुछ नहीं, वाह। उसने जनवरी में बोला है मेरे को, हाँ, लेकिन अब जनवरी में बोला है, अब जनवरी में बोला है उसने। और अगर जनवरी में नहीं आया तो फिर क्या करेगी? तांडव करेगी, देख लेना। तो 2 थप्पड़ लग के बैठ जाएगी चुपचाप। फिर ऐसे करती है ये। फिर पापा जी क्या बोलते थे दिया? पापा जी क्या बोलते थे फिर लास्ट में जब वो दुखी हो जाते थे ना, बोलते मार इसके कान पे खींच के, ऐसे बोलते थे ना। मैं पेट्रोल डलवाने जा रही हूँ गाड़ी में, क्योंकि सुबह जाना है 5 बजे। जितनी देर पड़ी है उससे ज़्यादा ये मेरी जान खाएगी। अब देखना फिर ये पिट पुट के सो जाएगी आराम से। पता क्या कह रही, लॉन्ग ड्राइव करवा के लाओ इसको, 6:30 बजे इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊँ, इतना जाम लगेगा। अभी दाल वाल सब तैयार करके जाऊँगी, चावल भिगो के जाऊँगी, ये नहीं जाएंगी क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना। वो तो कहने की बात है। अब मुश्किल से इसका मोमेंटम बना है, कई कई घंटे पड़ती है तो फिर टूट जाएगा हमारे साथ मूवी। इसीलिए मैं नहीं खड़ी करती, पता नहीं किसी ने गाड़ी लगाई है, अब मेरी गाड़ी निकले कैसे, पहले इनको ढूंढो। मुझे ये गाड़ी ना उस पतली से गलियारे से मैं निकालनी पड़ेगी आज। इधर ये पता नहीं कौन लगा के चले गए, किसी को नहीं पता चला। ये देखो, और ये देखिए छोटा सा गलियारा। ये शुक्र है अंकल जी हैं, पता नहीं था ना, अंकल निकलवा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ना, यहीं पे मैंने स्कूटर चलाना सीखा था, बोई भैया ने सिखाया था। थोड़ जाके इस खम्भे पे लगा मेरा कंधा। चलो फाइनली निकल गई। गाड़ी से बहुत जाम मिलने वाला है, मैं इसलिए थोड़ा सा लेट गई। मैंने कहा दिन में तो बहुत जाम मिलेगा। कितना, 94 रुपये 93 पैसे। 2700 का पेट्रोल आया है। बहुत दिनों बाद मेरी गाड़ी में पेट्रोल देखा है भर के। काफ़ी टाइम हो गए चले हुए। अब ना स्नो फॉल आसपास गिरेगी, कानाताल वगैरह, तो मैं लेके जाऊँगी। पिछली बार तो मेरी टांग में ज़रा प्रॉब्लम थी, पैर में, तो नहीं जा पाई कहीं भी। अब की बार ज़रूर जाना है। पर मैं पेट्रोल डलवा के आई हूँ तो नेहा और मयंक मिल गए मुझे बाहर वेट करते हुए। हमारे महेश्वरी कह रही है, अच्छा ये आपकी वेट कर रहे थे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से, या देखिए ज़्यादा तो कुछ कहूँगी नहीं, सुबह काफ़ी कुछ बोला है। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जब मैं प्राणायाम की मतलब क्लासेस मैंने ली थी तो मैंने बोला था बहुत सारा बॉडी का इंटरनल पेन ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम अपनी एक्सरसाइज से बाहर की बॉडी तो निखार लेते हैं, लेकिन अंदर जो हमारे बीमारियां पनप रही हैं, क्योंकि हमारी डाइट कहीं ना कहीं चेंज होती है। मतलब हम छोले भटूरे भी खाते हैं और पूरी सब्जी भी खाते हैं, कचौड़ी मिठाइयाँ भी खाते हैं, क्योंकि इंडियन है वो नेचुरल है। बहुत कम होते हैं जो रॉ फूड पे रहते हैं। और अगर आपको कोई भी डायनामिक एक्सरसाइज करनी है, मेरा तो जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रही हूँ। 10-10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद भी, जब मैं उस टाइम प्राणायाम क्लास कर रही थी, अपनी ब्रीदिंग पे, सांसों पे ध्यान दे रही थी, तो मैं थकती नहीं थी। शर्मा जी मुझे रोकते थे ज़बरदस्ती, दिल्ली में थे जब, कहते तो रुक जा पागल हो रही है। मैंने कहा मुझे थकान नहीं हुई है, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यहाँ भी ऐसा लगता था कितना दौड़ लूँ, उसके बाद यहाँ पे आके जो, क्योंकि वो सांस पे ध्यान था, मतलब मेरा वो था कि भाई किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कुछ ना करके आप अपनी सांसों पे ध्यान दें तो वो भी परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ये भी कह रही हूँ कि अगर कोई ट्रेनर योगा मतलब वाले भी है ना, तो उनको वो भी ट्रेंड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे कई बार आप लोकल जिम में चले जाते हैं आसपास के, उनको ट्रेनिंग नहीं होती है। खैर ये ज़्यादातर तो बड़े बड़े जिम में डेथ हो रही हैं, और छोटे जो होती हैं वो हमें पता नहीं लग पाता। तो कहने का मतलब यही है कि अपने साथ प्राणायाम और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर रखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप करके देखिए। मैं तो डेली मैंने रूटीन बना लिया है। अगर मैं नहीं जाती हूँ ना तो मैं प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज घर में बैठ के ज़रूर करती हूँ, ज़रूर। अब मैंने फिर से वो रूटीन अपना लिया है, क्योंकि कहीं ना ये बार बार डिस्क फेल हो रही है, मेरी वीडियो डाउनलोड है। कहीं ना कहीं कोरोना के बाद बहुत सिम्टम उसमें फ़र्क आया है। मैंने खुद देखा, वैक्सीन लगने के बाद सांस फूलती थी और मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब फ़िलहाल ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जब अपनी नेचुरल उसमें आ रहे हैं ना, ध्यान मतलब मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं, नेचुरल वॉक कर रहे हैं, और नेचुरल फूड भी शुरू कर दिया है। मतलब आजकल ज़्यादा मतलब अब उन्हें नहीं खा रहे हैं, खा लेंगे आप 15-20 दिन में एक बार खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, 10 दिन में, लेकिन रेगुलर उसमें तो वापस आपकी वो जो कहते हैं ना इम्यूनिटी, वो नेचुरल तरीके से फिर से हो जाएगी डेवलप। देखिए शर्मा जी कोरोना से बेशक से गए थे, लेकिन लास्ट टाइम पे भी उनकी ना तो क्या कहते हैं उनको किडनियों पे था, ना हार्ट की प्रॉब्लम थी, ना उनको बीपी था, ना शुगर था, वो पता नहीं क्या हुआ था। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, इस एज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमारी मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि प्राणायाम और योगा ध्यान में साथ साथ करते थे, और वॉक भी करती थी, रनिंग भी करती थी। आपने कितनी बार देखा होगा रनिंग करती भी आ रही हैं। तो ऐसे ही जिम के साथ, जिम वाली एक्सरसाइज जो करते हैं उनके साथ भी है। प्राणायाम का रूटीन बना लीजिए, और अपना कूल डाउन का भी एक अच्छा सा बनाइए कि रिलैक्स हो जाए बॉडी बिल्कुल, उसके साथ करिए तो देखिए फिर आपका स्टेमिना डबल बन जाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। बोलेंगे भाभी ज्ञान दे रही हो, आपका स्टेमिना, कई बार थकी रहते हो। तो मैंने भी दोबारा से एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम शुरू कर दिया है, थोड़ा करके पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।